Hello, Bachu. Let's read the question. And the question says, irregularity is found in Drosophila during the organ differentiation. For example, in place of wing, long legs are formed. Which gene is responsible? पहला ऑप्शन है हमारे पास डबल डोमिनेंट जीन, दूसरा है होम्योटिक जीन, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एंड लास्ट हमारे पास है प्लास्टिड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट. The key concept of this question is Drosophila. So, Drosophila basically है हमारी फ्रूट फ्लाई. ठीक है, तो ये जो फ्रूट फ्लाई है इसमें इरेगुलरिटी हो जाती है जहाँ पे विंग्स है, विंग्स की जगह पे लॉन्ग लेग्स आ जाते हैं, लॉन्ग लेग्स आ जाते हैं. ये आपका क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द मैल फंक्शन. ये मैल फंक्शन की वजह से होता है ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेटरी जीन जो कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट कंट्रोल करते हैं ऑफ बॉडी पार्ट्स. सो हम एक्सप्लोर करते हैं ऑप्शंस को, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जीन टाइप रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटी. तो सबसे पहले आता है हमारे पास डबल डोमिनेंट जीन. ठीक है, तो जो ये डबल डोमिनेंट जीन है टिपिकली रेफर करती है वो सिचुएशन को जहाँ पे दो डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट होते हैं एट अ सिंगल जीन लोकस, एट अ सिंगल जीन लोकस. ये आपके इन्वॉल्व होते हैं. ये टर्म स्पेसिफिकली नहीं है एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी. सो ये ऑप्शन हमारा बाहर हो जाता है. दूसरा, अगर हम देखें दिस इज दी होम्योटिक जीन. तो होम्योटिक जीन जो होता है दे आर द रेगुलेटरी जीन जो कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये डिक्टेट करते हैं आइडेंटिटी ऑफ बॉडी सेगमेंट्स एंड उनकी एसोसिएशन जो स्ट्रक्चर्स के साथ होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. एंड ड्रोसोफिला के अंदर अगर हम बात करें तो म्यूटेशंस हो जाती है इन तरीके की जीन्स में जो लीड करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन बॉडी पार्ट टू द अनदर. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, एंटीना पीडिया. एंटीना पीडिया जो जीन है ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है लेग्स को कि वो डेवलप करते हैं इन द प्लेस ऑफ एंटीना एंड म्यूटेशंस हो जाते हैं इन दी अल्ट्रा बी थोरेक्स जीन्स में. ठीक है, जो रिजल्ट करते हैं इन एक्स्ट्रा विंग्स और लेग्स इन दी रॉन्ग प्लेसेस. सो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की विच इज दी कॉम्प्लीमेंट्री जीन. तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन वो जीन्स होते हैं जो काम करते हैं एक साथ, दे वर्क टुगेदर ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एक पर्टिकुलर फीनोटाइप. एंड जो इंट्रैक्शन होता है इन जीन्स के बीच में वो यूजुअली डिस्कस होता है इन कंटेक्स्ट विद द फीनोटाइपिक एक्सप्रेशन. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात नहीं होती है तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है. लास्ट हम बात करते हैं प्लास्टिड की. तो प्लास्टिड होते हैं ऑर्गेनेल्स जो आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में. ठीक है, जो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं एंड ये डेवलपमेंटल रेगुलेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल इनकरेक्ट है. सो जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी और बाकी के ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.